अनुपमा, लेकिन वो तो रवि की गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब इस षड्यंत्र के पीछे रवि का हाथ पैर है। तेरा साला कुत्ते की मौत मरेगा। पतली गली से निकल लो। बता 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 कहाँ है वो, नहीं तो जान से मार दूंगा। बता। बीवी, वो तो सिर्फ पार्टनर्स हैं। मैं जीजा और गिरवी हूँ, मेरा क्या हाल करेगा? तुम्हें मारेगा नहीं, बसंती डांस करवाएगा। ए सुन चपड़गंजू, तू पब का मालिक बनकर मेरी किस्मत चमकाने वाला था ना, अब देखना तू जूते और चप्पल चमकाएगा। रवि भैया को आने दो, देखना वो सबको चमका देंगे। साले। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, घबराओ मत, मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ड्राइवर गाड़ी रिवर्स लो। अपने दो सिंसियर ऑफिसर्स को मैंने एक रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने भेजा था, लेकिन वो तो उसी के फैन बन गए। उनका कहना है कि बलदेव सहाय एक मिसाल है, और अपनी ड्यूटी भुलाकर वो उसी की ड्यूटी बजाने लगे। मेरे मन को ठेस पहुंचाई। फिर मैंने खुद बलदेव की इंक्वायरी शुरू की। उसका सच पता चलने के बाद मैं खुद भी उसका फैन बन गया। जो मर चुका है उसकी तारीफ करने का मतलब क्या है? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। बताने से पहले एक चेतावनी, बीपी पेशेंट्स टैबलेट ले रहे, डायबिटीज वाले इंसुलिन, हार्ट पेशेंट कान बंद कर रहे, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद किसी को कुछ भी हो सकता है। ए, चल बोल। बलदेव और रवि अलग इंसान नहीं है, दोनों एक ही है। एक ही आदमी? कोई चूरन तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। राम और श्याम की कहानी सिनेमा में सच होती, रियल लाइफ में नहीं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बलदेव नहीं मरा। हवन चल रहा था, अचानक से हॉस्पिटल क्यों बुलाया? नाकाबंदी में हमें स्मगलिंग का सामान मिला, और ये ऑफिसर, इसकी याददाश्त चली गई है सर। क्या हमेशा के लिए? सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त खो चुकी है। ये कौन है, कहां से आया है, कहां रहता है, ये सब भूल चुका है, यहां तक कि अपना नाम भी। ओ, एक सेकंड है, क्या हुआ? सुनिए जी, कुंभ के मेले में मेरा जो भाई खो गया था उसके लिए इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे, और आपका कुछ पता ही नहीं, कहां है आप? एक जरूरी काम था, आता हूं। यज्ञ को बीच में छोड़ना अशुभ होता है, प्रायश्चित के लिए आपको काशी जाकर 12,000 ब्राह्मणों के साथ हवन करना होगा। 12,000 ब्राह्मण? घर बार बिकवा कर मुझे ही मंदिर में पंडित बना देगी, पूजा की जरूरत ही नहीं है। एक खुशखबरी है, तुम्हारा भाई मिल गया। सच में? जब उसकी याददाश्त गई तो उसे रवि बनाकर इंस्पेक्टर ने उसे अपने घर में शरण दी, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी किसी तरह से कन्विंस कर लिया। खर्चे से बचने के लिए कहा, मुझे लगा कि ये कोई मामूली इंसान होगा, बलदेव सहाय निकला। याददाश्त खोने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी भूला नहीं, सिर्फ नेम प्लेट बदली, वरना बलदेव जैसा कल था आज भी वैसा ही। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? बलदेव खुद की असलियत ही नहीं जानता, रवि के नाम से ड्यूटी निभा रहा है। अगर उसे ये याद आ जाए कि वो बलदेव है तो जरा सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम लोग ये मत समझना कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं चाहूं तो अभी तुम लोगों को अरेस्ट करवा सकता हूं, पर अपनी ड्यूटी से ज्यादा उसके जज्बात की फिक्र है। ऑफिसर्स, जल्दी से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। यस सर। ए गांगुली, डरने की कोई जरूरत नहीं। रवि को हम ये नहीं बताएंगे कि वही बलदेव सहाय है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके भरे जख्म फिर से हरे हो जाएं। डायलॉग बाजी बनकर, अबे तू बताया ना बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भांजे रवि हो या बलदेव, ये दोनों हमारे लिए मौत का पैगाम है और कुछ नहीं। अब वो खोलता हुआ लावा है, तुम्हारा साथ देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम दोनों के चक्कर में वो मुझे भी मार देगा। जो डर गया वो मर गया। ए, उस लड़के को मेरे सामने लाओ। तुझे भी वही पहुँचा दूंगा जहाँ बलदेव की गर्लफ्रेंड को पहुँचाया था मैंने। क्यों डर गए क्या? सुनामी से पहले का तूफान है।
अगर तुम जैसे सुतली बम के पास इतना दिमाग है तो सोचो मुझ जैसे तोप के पास कितना होगा। बॉर्डर के उस तरफ ही नहीं, इस तरफ भी देश के दुश्मन है, ये बोलकर कुछ घंटों के लिए मिलिट्री से टैंकर उधार लेकर आया हूँ। वो लोग मना नहीं कर सके मेरी विश। गुंडा पार्टे, तुम सबको कर दूंगा फिनिश। अबे शकल क्या देख रहा है, सबको छोड़। तुमने दिवाली के पटाखों के बॉम्ब को फटते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस छोटे साइज के असली बॉम्ब का धमाका देखो। क्यों बे, मुझे डांस करवाने वाले थे ना, अब मैं तुमको ताता थैया नचाऊंगा। कम ऑन डांस, नाचो चम्मक झल्लो। अब नाचते हो या उड़ा दूं सबको? अरे एक मिनट रुक जाओ। रो जाओ राजा, अगर डांस नहीं भी आता ना तो मैं बताऊंगा डांस करना, लेकिन डांस तो करना है। दबाऊं क्या? हां नाच रहे। अरे बस करो, इतने अच्छे गाने पर इतना गंदा डांस कर रहे हो। जीजू डांस पेश किया जाए। जीजू डांस? इतने फेमस डांस के बारे में नहीं जानते? अब दबाई देता हूँ। ए दबाना मत, करते हम लोग। बाराती और ये गांगुली के दूल्हा है, नहीं नाचेगा वो। क्या उसका बाप भी नाचेगा? बोलता हूँ वो नाचेगा। अबे रुक, अब क्या हो गया राजा? क्या उसको गर्मी लग रही है और तू नाचते हुए उसे हवा दे रहा है? राजा गांगुली कांड डांस आला, अब तो दबाना ही पड़ेगा। उड़ा दूंगा। पानी का टैंक, गोले का टैंक कहाँ है? गोले का भाड़ा ज्यादा था। ओ मत छोड़ना इन नमूनों को। बमबारी की जगह लात मारी।